नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में आने वाले उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जिम्मेदार विभागों की घोर लापरवाही देखने में सामने आई है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के बाहर कच्ची बस्ती के ठीक सामने संबंधित विभाग के द्वारा पानी की सप्लाई की लाइन का दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से विभाग के निर्देशानुसार एक गड्ढा खोदा गया है जो करीब 7 से 8 फीट तो गहरा है और 10 से 15 फीट लंबा होना सामने आया, जिसमें मार्ग से गुजरता एक बाइक सवार अंधेरे होने के चलते बाइक सहित अंदर गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर और शरीर पर कई जगह चोटें आई है। बाइक सवार मूल निवासी बिहार हाल निवासी 100 फीट रोड राजा बाबू ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था, तभी अंधेरा होने की वजह से वह मार्ग में खुद एक गड्ढे में बाइक सहित गिर गया, जिसकी वजह से दोनों ही युवकों का चोटग्रस्त होना सामने आया। मौके से गुजर रहे लोगों ने घटना में घायल दोनों ही शख्स को बाहर निकाला और बड़ी बामुशक्कत गड्ढे से गिरी बाइक को भी बाहर निकाला, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं दोनों को एमबी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर राजा बाबू के सर पर 4 टांके आए हैं। देर रात हुए घटनाक्रम के बाद किसी प्रकार की सूचना तक पुलिस कर्मियों को नहीं लगी, जबकि उदिया पुल चौराया कुछ ही दूरी पर मौजूद है, जहां रात भर और दिन भर पुलिस गश्त की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं, यह वह बाइक है जो गड्ढे में गिर गई थी, जिसका मुख्य कारण अंधेरा होना सामने आया है। हालांकि अंधेरा होने के साथ ही वह विभाग भी जिम्मेदार है, जिन्होंने यहां पर बिना सूचना के कोई भी नोटिस बोर्ड लगाए इतना बड़ा गड्ढा खोद कर यहाँ पर रख दिया और सड़क मुख्य मार्ग होने के बाद भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नोटिस यहाँ नहीं लगा हुआ है। राजा बाबू कहाँ से आ रहे थे? स्टेशन पर से आ रहा था। छोड़ के आ रहे थे किसी को? हाँ। और कहाँ जा रहे थे? रूम पे। क्या हुआ चांचू, दिखा नहीं? मैं जा रहा था, मैं सोचा कि छोटा गड्ढा है, बड़ा गड्ढा था, मैं इसी में चल गया। कितने टांके आए? टांके कितना है? 4 टका है। हॉस्पिटल ले गया आपको? हाँ। कौन ले गया था हॉस्पिटल? कोई गाड़ी वाला था। लगी भी तो वो तेज है यार भाई तेरे, थोड़ा ध्यान रखना यार।